तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं आईडी, ओडी, सीएफ, शेड्यूल, एनपीएस, डीएन और एनबी, ये सब क्या होता है, ठीक है। और ये सब का मैं आपको डेफिनेशन के साथ अभी आपको बताऊंगा और इसका एग्जांपल भी आपको अभी बताने वाला हूं, क्योंकि हमारे चैनल से बहुत सारे नए लोग भी जुड़ते हैं जिनको मालूम नहीं होता है कि ये सब होता क्या है। तो अगर आप एक पाइप फिटर हो या फिर पाइप फिटर का काम सीखना चाहते हो तो ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो इसलिए वीडियो को जो है आप ध्यान से लास्ट तक देखिएगा तो आपको जो है सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए एक एक करके हम यहाँ पर आपको दिखाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर है आईडी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने डेफिनेशन इसका लिख के रखा हुआ है। आईडी मतलब होता है इनर डायमीटर, तो इनर मतलब होता है अंदर, ठीक है। और डायमीटर मतलब व्यास, मतलब अंदर का व्यास, साफ मालूम हो जा रहा है, मतलब अंदर का जो व्यास है उसको आईडी कहते हैं। तो चलिए यहाँ पे एक बार डेफिनेशन भी आपको पढ़ के बताते हैं। तो पाइप के अंदर से अंदर वाले भाग को आईडी कहते हैं, मतलब कि देखिए यहाँ पे हमने इसका ड्रॉइंग भी करके रखा हुआ है और यहाँ पे मैं लाइव आपको दिखाऊंगा एग्जाम्पल भी इसका। तो ये देखिए, हमने यहाँ पे एक सिंपल पाइप ड्रॉइंग किया है। तो अंदर से अंदर वाले भाग को आईडी कहते हैं, मतलब कि यहां से लेकर के यहां तक जो हमारा डिस्टेंस है उसको हम आईडी बोलेंगे, ओके, ठीक है। ये इधर से इधर भी हो सकता है, इधर से इधर, मतलब ये सीधा ही रहेगा, इसको हम आईडी बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको टेप से चेक करके भी दिखाता हूँ। तो मान लीजिए ये हमारे पास एक पाइप है, ठीक है, एक पाइप का कटिंग पीस है। तो इसका अगर हमको अगर आईडी चेक करना है तो इस तरीके से चेक करेंगे। देखिए यहाँ पे ऐसे टेप रखेंगे और ऐसे देखेंगे, तो ये देखिए इसका कितना रहा है, 75 mm, आप देख सकते हैं। इसका आईडी आ रहा है 75 mm, ठीक है। तो इसको आईडी बोलते हैं। चलिए दूसरा देखते हैं, जो कि है हमारा ओडी। तो देखिए, ओडी मतलब आउटर डायमीटर, आउटर मतलब बाहर, ठीक है, डायमीटर मतलब व्यास। तो पाइप के बाहर से बाहर की दूरी को ओडी कहते हैं, मतलब कि यहाँ पे साफ क्लियर यहाँ पे बताया जा रहा है कि बाहर से बाहर की दूरी को, मतलब कि ये वाला, मतलब कि यहां से लेकर के यहां तक की दूरी को हम ओडी कहते हैं, ठीक है। आप इसको किधर भी ले सकते हैं, तो मैं एक तो यहाँ पे ले लिया हूँ तो इसलिए मैं अब इधर से लेता हूँ। चलिए यहाँ से और यहाँ तक ले लेता हूँ, ऐसे मैं यहाँ पे एरो मार देता हूँ, ये वाला और ये वाला। तो इसको बोलते हैं हम ओडी, इसको बोलते हैं ओडी। अब चलिए यहाँ पे मैं आपको पाइप में चेक करके दिखाता हूँ। तो ये हमारे पास पाइप है, इसका अगर हमें ओडी चेक करना है तो इस तरीके से चेक करेंगे। ऐसे देखिए, टेप को हम बाहर में रखेंगे, ठीक है, ऐसे, और इस तरीके से देखेंगे। देखिए, तो ये देखिए इसका आपको ओडी दिख रहा होगा 83 mm, ठीक है, 83 mm इसका ओडी आ रहा है, मतलब कि ये वाला डिस्टेंस यहां से लेकर के और यहां तक हमारा है 83 mm, इसको ओडी बोलते हैं, ओके। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट है हमारा सीएफ। तो सीएफ मतलब होता है सरकमफेरेंस, मतलब कि इसको हम हिंदी में बोलते हैं परिधि। तो देखिए यहाँ पे इसका डेफिनेशन लिखा हुआ है, पाइप के गोलाई को सीएफ कहते हैं। साफ यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो इसकी गोलाई होती है उसको हम सीएफ बोलते हैं। तो चलिए इसका एग्जांपल भी देखते हैं। तो मान लीजिए इसका अगर हमें सीएफ यहाँ पे चेक करना है तो ऐसे चेक करेंगे, तो ये देखिए इसका हम यहाँ पे सीएफ चेक कर रहे हैं, तो देखिए कितना आ रहा है, आप देख सकते हैं ये लगभग 270 आ रहा है, ठीक है। ये देखिए मैंने टेप इसके बिल्कुल जो है गोलाई में लगाया हुआ है, तो कितना रहा है, 270, इसको हम सीएफ बोलते हैं। मतलब कि ये मान लीजिए हमारा यहाँ पे पाइप है, ठीक है, तो हमको टेप क्या करना है, इसके बाहर बाहर पकड़ना है ऐसे, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस होता है इसको हम सीएफ बोलते हैं। और सीएफ निकालने का जो फॉर्मूला है वो भी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, क्योंकि जो लोग नए होते हैं उनको मालूम नहीं होता है। तो सीएफ निकालने का जो फॉर्मूला है वो है ओडी गुने पाई, ठीक है, और पाई का मान होता है 3.142, तो ये हो गया सीएफ। अब पूछेंगे ओडी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो ओडी आपको डायरेक्ट चेक करना पड़ेगा, ठीक है, और आईडी भी आपको डायरेक्ट चेक करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सीएफ से ओडी अगर निकालना चाहते हैं तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, सीएफ डिवाइड पाई या फिर 3.142, तो आपका ओडी निकल जाएगा, ठीक है। ये सब आपको खुद समझ में आ जाएगा जब आप ये सब जो है ये सब देखेंगे। तो नेक्स्ट है हमारा शेड्यूल, ठीक है, एस सी एच। इसका मतलब क्या होता है, मान लीजिए हमारे पास एक पाइप है, ठीक है, आपको बोल दिया कि 100 NB का शेड्यूल 40 का एक पाइप लेके आओ, ठीक है, 100 NB का शेड्यूल 40 का एक पाइप लेके आओ। तो आप क्या लेके आओगे, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि 100 NB का है, मतलब कि
अभी एनबी आगे हम जब आपको बताएंगे तो आपको समझ में आएगा। अभी मैं यहाँ पे चलिए 4 इंच पकड़ लेता हूँ। मान लीजिए आपको बोलता है कि 4 इंच का शेड्यूल 40 का पाइप लेके आइए, तो आप क्या लेके आओगे? तो सबसे पहले आपको चार्ट देखना है कि शेड्यूल 40 में कितना एमएम थिकनेस आता है। तो उसमें जब आप देखोगे तो 4 एमएम थिकनेस आएगा। तो आपको क्या करना है, 100 एमएम का जो आपका पाइप है 4 इंच का, वो आपको लेना है और आपको चेक कर लेना है कि इसका थिकनेस 4 एमएम है या नहीं। अगर 8 एमएम है तो अलग शेड्यूल का हो गया, वो 80 शेड्यूल का हो सकता है। आपको चार्ट देखने से सब पता चलेगा, ठीक है? तो अगर आपको शेड्यूल का चार्ट देखना है तो आप हमारे ऐप फिटर की पूरी जानकारी को इंस्टॉल कर सकते हैं, उसमें आपको शेड्यूल चार्ट मिल जाएगा। इस तरीके से अगर आपको बोलता है कि 2 इंच का शेड्यूल 10 का एक पाइप लेके आओ, तो आपको इसका थिकनेस देखना है कि शेड्यूल 10 का कितना थिकनेस है। मान लीजिए अगर 2 एमएम थिकनेस है तो आपको क्या करना है, 2 इंच का आपको पाइप लेके आना है और जिसका थिकनेस 2 एमएम होना चाहिए, ठीक है? तो उसी को बोलते हैं शेड्यूल, ठीक है? और ये शेड्यूल 10, शेड्यूल 20 ये अलग अलग इसलिए रखा गया है ताकि अलग अलग, मतलब जैसे मान लीजिए अगर कहीं पे कम प्रेशर है तो वहां पे शेड्यूल 10 का यूज किया जाएगा, अगर हाई प्रेशर का लाइन है तो वहां पे शेड्यूल 80, शेड्यूल 100, मतलब जितना उसमें मतलब प्रेशर है उस हिसाब से वहां पे पाइप का सिलेक्शन किया जाता है, ठीक है? जैसे हाइड्रोलिक लाइन है तो उसमें ज्यादा प्रेशर रहता है तो उसमें शेड्यूल 80, शेड्यूल 100 इस तरीके का पाइप यूज किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा NPS। तो NPS का मतलब होता है नॉमिनल पाइप साइज। तो यहाँ पे देखिए मैंने डेफिनेशन लिख के रखा हुआ है आपको समझाने के लिए। तो पाइप के ID को NPS कहते हैं, बस इतना आपको याद रखना है। अब आगे देखिए, NPS इंचेस में होता है, मतलब कि यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास ये वाला पाइप है, ठीक है? तो ड्रॉइंग में आपको लिखा रहेगा NPS 4 इंच, इस टाइप का आपको लिखा रहेगा। तो आपको समझ जाना है कि इसका ID 100 है, ठीक है? इसी तरीके से अगर NPS 8 इंच लिखा रहता है तो आपको समझ जाना है कि ID 200 है। तो अब यहाँ ये मतलब 100 कैसे हुआ, तो यहाँ पे देखिए आपको पता होगा कि 1 इंच जो होता है हमारा उसका होता है 25.4 mm, तो वही 25 को जो है इससे मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो 100 हो जाता है। जैसे यहाँ पे आप टेप में देखोगे तो ये देखिए यहाँ पे 1 इंच यहाँ पे हमारा, देखिए तो यहाँ पे 25 आ रहा है, आपको दिख रहा होगा, मतलब कि 1 इंच में 25.4 होता है। तो वही 25 जो है वो गुणा कर दिया जाता है किससे, इंचेस से, मतलब 4 इंच है तो 25 × 4 किया तो 100, ठीक है? इस तरीके से 25 × NPS 8, मतलब कि अगर आपको बोलता है कि NPS 10 इंच का एक पाइप लेके आओ तो आप क्या करोगे, आप जाओगे स्टोर और 10 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे, मतलब कितना आ गया आईडी उसका 250। तो आपको चेक करना है ये वाला आईडी, ये वाला चेक करना है कि किसका 250 है, जिसका भी 250 रहेगा तो समझ जाइए कि वो NPS 10 इंच का है, ठीक है? और उसके बाद यहाँ पे देखिए मैंने कुछ लिख के रखा हुआ है अप टू 12 इंच, मतलब कि 12 इंच तक जो मान लीजिए NPS 12 इंच है तो उसका आईडी के बराबर होता है, ठीक है? मतलब अगर आपको बोलता है कि NPS 12 इंच तो उसका आईडी जो है वो इसके बराबर रहेगा, लेकिन अगर आपको बताया जाता है NPS 14 इंच, मतलब 12 इंच का ऊपर, ठीक है? जैसे NPS 14, ठीक है, या फिर NPS 16 इंच, तो इसका मतलब हो गया वो अब ओडी से मैच करेगा। पहले क्या है, 12 इंच का नीचे जब था तो वो आईडी से मैच कर रहा था, लेकिन अब क्या है, अब आपको अगर NPS 16 बोलता है, NPS 16 इंच बोलता है तो आपको क्या करना है, 25 से तो मल्टीप्लाई करना है, ठीक है? तो कितना हो गया, 400 हो गया, ठीक है? तो अब क्या करना है, पहले जब 12 इंच का नीचे था तो हम आईडी चेक करके जो है उसका यूज कर रहे थे, लेकिन अब ये 400 आ गया तो अब हम ओडी चेक करेंगे, ये वाला चेक करेंगे, ठीक है? क्योंकि ये 12 इंच का ऊपर है। तो ये बात आपको याद रखना है कि अगर 12 इंच का अगर नीचे रहता है तो आपको आईडी चेक करना है, मतलब ये वाला चेक करना है, और अगर 12 इंच का ऊपर रहता है जैसे NPS 14 इंच 16 इंच तो आपको ओडी चेक करना है, ये बात आपको याद रखना है, ओके? और उसके बाद है हमारा DN, मतलब डायमीटर नॉमिनल। तो यहाँ भी सेम डेफिनेशन मैंने लिख के रखा हुआ है, ये डेफिनेशन मैंने इसलिए लिख दिया है ताकि आपको जो है याद रह सके एटलीस्ट। तो पाइप के आईडी को ही DN कहते हैं, और उसके बाद DN हमेशा MM में होता है, मतलब मिलीमीटर में होता है। जैसे NPS जो होता है उसको भी हम आईडी ही बोलते हैं, लेकिन वो इंचेस में होता है, जैसे NPS 4 इंच, NPS 8 इंच, और यहाँ पे DN है तो DN क्या होता है, वो MM में होता है, जैसे DN 100। तो देखिए DN 100 का मतलब क्या हो गया, आईडी मतलब कि उसका इनर डायमीटर 100 होगा। जैसे ये मान लीजिए एक पाइप है DN 100 का, तो आपको क्या देखना है, इसका जो आईडी है वो कितना है, तो इसका आईडी भी 100 ही रहेगा, ठीक है? और इसका जब हम NPS में कन्वर्ट करेंगे तो ये 4 इंच हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 25.4 जो इसका 1 इंच का जो वैल्यू होता है उससे अगर हम इसको यहाँ पे डिवाइड देंगे, जैसे 100 / 25 करेंगे तो 4 इंच, मतलब ये वाला आ गया, ठीक है? और उसके बाद है NB, NB मतलब नॉमिनल बोर। तो पाइप के आईडी को NB कहते हैं, NB MM में होता है, सेम इसका जैसा सेम है,
100 MB अगर आपको बोला जाता है तो इसका मतलब होता है आईडी इसका 100 mm है, ठीक है, और ये NPS 4 इंच है। तो आई होप आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स, आपको भी अगर किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके ऊपर जल्द ही वीडियो बनाने का कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।